हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो
अलैकुम। बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर, एक अच्छा कैच। तो तीसरे विकेट का यहाँ पर पतन हुआ है, आउट होने बल्लेबाज अशफाक। अब नए बल्लेबाज आए हैं सिल्वा अपनी टीम की जिम्मेदारी संभालने के लिए। इससे पहले मैच में भी उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया था पहली गेंद पर। अब देखना अपने टीम को कहां पर लेके जाते हैं। तो तीन विकेट के नुकसान पर रन जा पहुंचा है 22 रन। अच्छा, तो दो और तीन गेंद के बाद 22 रन हो चुका है नए बल्लेबाज सिल्वा। खेलेंगे रहीम को। अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही अच्छा शॉट वहां पर ऑफ साइड में खेला है, खिलाड़ी मौजूद, देखना है रोक पाते हैं कि नहीं। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा वहां पर बैकअप दिया अजीज ने, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। देखना है क्या है वहां पर कप्तान। तो क्या फैसला एम्पायर बताएंगे अभी। तो क्या एम्पायर का इशारा ये? तो ये फैसला सुना एम्पायर क्या बोल रहे हैं। तो चार रन का इशारा ये दिया गया है, यानी 26 रन हो चुके हैं इस चौके के साथ रन बढ़ता हुआ। एजल वारियर की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी। रहीम अपने ओर की पांचवी गेंद, एक बार फिर घूम के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, उनके कमर की ऊंचाई पे लगी। लेकिन एक रन का इजाफा जरूर होगा स्कोर में, रन बढ़ता हुआ 27 रन। तो अब आए हैं सामने विनु बॉडीविटर। पटकी हुई गेंद, उतना ही अच्छा शॉट वहां पर, खिलाड़ी मौजूद है, देखना है रोक पाते कि नहीं। एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा जाएंगे आसानी से पूरा करेंगे वहां पर विनु, और अपनी टीम को दो रन का और इजाफा करते हुए अपनी टीम के लिए विनु बढ़िया दौड़ लगाते हुए रन बढ़ता हुआ 29 यानी 29 रन। तीन विकेट के नुकसान पर तीन ओवर के खात्मे के बाद अच्छी बल्लेबाजी। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन था लेकिन ये दो ओवर में 24 रन आ गए, यानी 12 के रन रेट से दो रन दो ओवर में उन्होंने बनाया है विनु और अशफाक और फैसल। अब सेलवा, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की ये दो ओवरों में, अपनी टीम को एक अच्छे मुकाम पे लेके आ गए एक ओवर खराब होने के बावजूद भी। देखना है आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पे देते हैं कप्तान रहीम। एजल वारियर 29 रन, 29 रन हो चुके हैं। तो आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना है अजीज को दी गई है शायद। तो अजीज संभालेंगे आखिरी ओवर की जिम्मेदारी। फैसल को समझाते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों को। तो आखिरी ओवर की जिम्मेदारी इस बार अजीज के हाथों में है। इससे पहले जहीर ने संभाली थी, इस बार अजीज के हाथों में। स-
सामने सिल्वा, इससे पहले मैच में एजल वॉरियर ने बहुत बेहतरीन फील्डिंग और बॉलिंग से मैच एक आसान मैच बना दिया था अपना। 30 रन का टारगेट डिफेंड कर लिया उन्होंने, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और फील्डिंग के बदौलत। पहली गेंद, पटकी हुई गेंद, घूमकर मारना चाहते थे, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, लेकिन एक रन वहां पर जरूर मिला। मिस फील्डिंग की वजह से कीपर के हाथों से गेंद छूट गई, जिसका फायदा मिला एक रन के रूप में, रन बढ़ता हुआ 30 रन। अब आए हैं वीनू, अगर वीनू को ऐसी गेंद मिलती है तो उसका अंजाम आप देख लें क्या होगा। सामने वीनू, आहा, वही गेंद, लेकिन गेंद नीचे रही, अंजाम वो जो चाहते थे वीनू वो नहीं दे पाए, काफी निराश हो गई अपने हाथों ये मौका गंवाने से वीनू, क्योंकि ऐसे बॉलों पर वो अक्सर मैदान के बाहर मारते हैं। फिर वही गेंद, लेकिन इस बार घुमाकर खेला है, 4 रन जरूर मिलेंगे, कोई मौका नहीं है, क्या है देखना है। गेंद गई 4 रन के लिए। मैंने पहले कहा था अगर वीनू को ऐसी गेंदें मिलेंगी तो वो गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे, वही काम किया वीनू ने, अपने फेवरेट शॉट का इस्तेमाल किया, आसानी से अपनी टीम के लिए 4 रन बटोरे, रन बढ़ता हुआ 34 रन। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 5 रन आ चुके हैं, सामने वीनू है। इस ओवर में वीनू क्या करिश्मा दिखाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो बॉडी हिटर है और बॉडी हिटर जब मारता है तो बहुत दूर मारता है, देखना है वीनू। अगली गेंद, फिर एक बार, फिर एक शॉट, एक बेहतरीन शॉट, एक गेंद गई बाउंड्री के बाहर सीधा 6 रन के लिए। तो मैं पहले कह रहा था अगर ऐसी गेंद वीनू को मिलेगी तो गेंद बाउंड्री के बाहर दिखेगी, क्योंकि हम जानते हैं ये बल्लेबाज को, और बल्लेबाज ने अपने मुकाम को एक जगह साबित करके दिखा दिया कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसी पोजीशन पे खेलूंगा, आप मुझे उस गेंद पर बीट कर दिए, ये आपकी बड़ी बात थी, लेकिन मैं अपने अंजाम को पूरा करूंगा, वही काम किया इस बार 40 रन। छक्के के साथ 40 रन हो चुके हैं, अभी गेंद आना बाकी है, वीनू तैयार होते हुए, अगली गेंद तैयार वीनू। फिर वही गेंद, घुमाकर खेला, खिलाड़ी मौजूद, देखना कैच पकड़ नहीं पाए, 2 रन जरूर मिलेंगे, वीनू है वहां पर, अगेन वीनू, अच्छी बल्लेबाजी, मौका गवाया वीनू ने बेहतरीन शॉट का, लेकिन 2 रन जरूर मिले कैच के रूप में, मिला था मौका लेकिन वहां पर अब्बू छोड़ दिया कैच ने, अब्बू ने, और 2 रन का इजाफा और 42 रन। फिर एक बार लेग साइड में गेंद जा रही है 6 रन के लिए, बाउंड्री लाइन के बाहर, तो 48 रन हो चुके हैं, 49 रन जीतने के लिए चाहिए। मैं पहले कहा था अगर ये सी गेंदे वीनो को मिलेगी तो गेंद बाउंड्री के बाहर दिखेगी, लाजवाब बल्लेबाजी वीनू की, अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर बनाया एजल वॉरियर ने, लाजवाब वहां पर बल्लेबाजी। फैसल, अशफाक, सेल्वा और वीनू की बेहतरीन छक्कों से शुरुआत की थी फैसल ने, अंजाम तक पहुंचाया वीनू ने, तो टीम को एक अच्छा मकाम पहुंचाया इन खिलाड़ियों ने मिलकर। कप्तान मुश्ताक काफी खुश होंगे इस स्कोर को देखकर, क्योंकि उनके पास अच्छी गेंदबाजी है, 6-6 गेंदबाज है उनके पास, एक ऑलराउंडर टीम है उनके पास, तो ये मैच जीतने के लिए अभी 49 रनों की जरूरत है, यानी 49 रनों की जरूरत है 24 गेंदों पर।
हेलो, ये मैच जीतने के लिए आयरा एंजल को 49 रन यानी 49 रन बनाने हैं 24 गेंदों पर। तो शुरुआत करने जा रहे हैं शिवाजी यानी शिवा और शफीक, जिन्हें हम प्यार से नानी कहते हैं। भाई जिसकी भी गाड़ी ऑटो और जो भी बाइक वगैरह जो भी ला रहे हैं अंदर, वो मेहरबानी करके भाई अंदर पार्किंग है, पार्किंग में लगाओ जो भी ऑटो लो भाई। तो ये मैच जीतने के लिए 49 रन की जरूरत 24 गेंदों पर, यानी 49 रन चाहिए 24 बॉल में। सामने है शिवाजी के सामने है अशफाक और पीछे है द ग्रेट लेजेंड मजीद। आयरा एंजल को जीतने के लिए अभी 24 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत। पहला ओवर की जिम्मेदारी अशफाक, लेफ्ट हैंड रन द विकेट लेके तैयार। पहले ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, रन आउट का मौका मिल सकता है, वहां पर मिस फील्डिंग हो गई। रन आउट का एक और मौका देखना है, लेकिन नहीं, थ्रो लेट हो गया, गलत थ्रो हुआ जिसका फायदा शिवाजी को मिला। पहली गेंद पर रन आउट मिलना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी गफलत जिसका पूरा फायदा आयरा एंजल को मिला। एक रन के रूप में जहां विकेट मिलनी चाहिए थी वहां पर रन मिला, तो एक नहीं मिला, तो माफ कीजिएगा रन नहीं भागे ये, अच्छा एक बल्लेबाज खुद ही दो रन भाग गया, माफ कीजिएगा। तो रन आउट का मौका छूटा। दूसरी गेंद, फुल टॉस गेंद, खेल दिया है लेग साइड में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है आमिर, फील्डिंग अच्छी, रन आउट का मौका और ये क्या, फिर छूटा एक मौका रन आउट का, फिर एक रन आउट छूटा। तो दो रन का इजाफा, एक रन आउट और छूटा, यानी दो गेंदे दो रन आउट का मौका, दो रन जरूर मिला। तो फील्डिंग अच्छी थी, थ्रो भी अच्छा था, लेकिन मजीद कवर नहीं कर पाए, गेंद उनके हाथों से छूटी, जल्दबाजी में दिखे मजीद अपनी गलती को मानते हुए और फील्डिंग की तारीफ करते हुए। तो दो रन के साथ खाता खुला आयरा एंजल का। अगली गेंद, फिर एक बार फुल टॉस उठा के खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद विनू और ये कैच ले लिया है विनू ने। तो विनू छाते हुए फिर एक बार लाजवाब कैच, इससे पहले मैच में भी पहला कैच विनू ने लिया था, बेहतरीन था वो कैच। तो दो रन पर ये पहला विकेट गिरा शफीक के रूप में। तो पहला विकेट गिरा दो रन पर विनू। तो नए बल्लेबाज किशोर गए हैं शफीक का स्थान लेने, यानी उनके बाद आने वाले नए बल्लेबाज। तो अच्छी गेंदबाजी नहीं, तो उसके ऊपर अच्छी फील्डिंग मिली, फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए शफीक। नतीजा विनू ने एक लाजवाब कैच पकड़ा, किशोर तैयार। पहली गेंद घुमार का खेला है, वहां पर देखना कि एक चौका गया वहां पर। तो चार रन के साथ शुरुआत की किशोर ने, पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम के लिए चार रन बतोड़े।
और रन बढ़ता हुआ 6 रन इसी के साथ में। तो चौके के साथ शुरुआत किशोर की, फिर एक बार किशोर भी है। अच्छी गेंद लेकिन उतना अच्छी फील्डिंग वहां पर सलीम की, एक रन पर रोकेंगे बल्लेबाज को। रन बढ़ता हुआ 7 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। तो एक ओवर के 5 गेंदें हो चुकी हैं, 7 रन हो चुके हैं, एक विकेट का नुकसान हुआ है। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद वहां पर, कैच का मौका, अब्दुल्ला पीछे है और ये कैच अब्दुल्ला ने आसानी के साथ ले लिया। दूसरा झटका शिवा के रूप में अशफाक ने दिया अब्दुल्ला के हाथों से। तो तोहफा कबूल किया अब्दुल्ला ने कैच के रूप में और दूसरा झटका आयरा एंजल को। अब आए विराट, यानी अपने आप को विराट बना दिए इन्होंने। तो अब आए जहीर जो अपने आप को विराट कहला रहे हैं आजकल। तो एक ओवर के खात्मे के बाद 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर किशोर स्ट्राइक पे है, सामने है अशफाक। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी अशफाक के हाथों में। तो अभी सिर्फ 7 रन हुए हैं, यानी 18 गेंदे 42 रन और चाहिए, 18 गेंदों पर 42 रन की जरूरत। अशफाक तैयार, पहली गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे किशोर, अपील हुई लेकिन नहीं, क्योंकि मजीद ने कोई वहां पर आवाज नहीं लगाई, यानी आउट नहीं है ये बल्लेबाज। तो 7 रन पर वही रुका हुआ स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर एजल वॉरियर और आयरा वॉरियर एजल के बीच में। अपील, कैच की अपील लेकिन मना किया मजीद ने, नहीं ये मजाक था, ये आउट नहीं है। तो रन वही रुका हुआ 7 रन, 16 गेंदे 42 रनों की जरूरत। अगली गेंद अशफाक की, एक बार फिर ऑफ साइड में खेल दिया है, सिंगल दौड़ गए हैं। दूसरे रन का मौका मिलेगा कि नहीं देखेंगे, लेकिन अच्छी वहां पर रनिंग जहीर की, बढ़िया 2 रन पूरा किया अपनी टीम के लिए। रन बढ़ता हुआ 9 रन, तैयार अशफाक अपने ओर की चौथी गेंद, फिर एक बार घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद उठी नहीं, काफी नीचे रह गई। किशोर बल्ला ऊपर से घुमाया, गेंद नीचे से गई, बाकी काम कीपर मजीद ने पूरा किया। रन वही रुका हुआ 9 रन। तो काफी धीमी गेंद थी लेकिन उतनी ही नीची गेंद थी। अगली गेंद घूम कर खेलना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन नहीं, अपील हुई हल्की सी, एम्पायर ने कहा नट आउट है ये। तो रन वहीं रुका हुआ 9 रन।
आखिरी गेंद आना बाकी। अशफाक तैयार, अच्छी गेंद, कैच का मौका, छूटा वहां पर, रन आउट का मौका हो सकता था लेकिन वो भी आसानी से होगा कि नहीं होगा तो रन आउट नहीं किया तो रन रुका हुआ वहीं पर। बारह गेंदे, 40 रनों की जरूरत, अच्छी गेंदबाजी फिर एक बार एजल वॉरियर के बीच और आयरा एजल के बीच में जो मैच खेला जा रहा है उसमें अच्छी गेंदबाजी करती हुई एजल वॉरियर। अब आए हैं आमिर जिन्होंने इससे पहले मैच में लाजवाब गेंदबाजी की थी, एक रन देकर 3 विकेट निकाली थी उन्होंने, फिर वही गेंदबाज सामने किशोर, आज काफी 3 रन आउट का मौका छोड़ा है। फुल टॉस गेंद उठा के खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद अशफाक, थोड़ा आगे आ गए थे अशफाक लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया तो रन बढ़ता हुआ इसी के साथ 11 रन। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर जहीर, 2 रन के साथ 11 रन। तो आमिर अपने ओर की दूसरी गेंद, फिर एक बार फुल टॉस ऑफ साइड में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद, कैच का मौका, आहा क्या बात है, बेहतरीन कैच वहां पर इनुस की, कैच को पूरी तरह जज किया और आसानी से अपने हाथों में लिया कैच को, तो तीसरा झटका। अब गए हैं इमरान, इमो, इमटो, तो 11 रन पर ये झटका लगा है जहीर के रूप में। आमिर 2 गेंदे, 2 फुल टॉस तैयार, फिर एक बार उठाकर खेला एक चेक, कैच का मौका और ये कैच आउट, बेहतरीन कैच विनू के हाथों में, अच्छा शॉट था लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग में मिस्टेक हो गई जिसका अंजाम कैच के रूप में कैच आउट। तो इरफान पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में आउट हुए, अपने टीम को जानते हैं कि बिना छक्के के काम नहीं होगा, चौके छक्कों की जरूरत थी वही अंजाम देने गए थे लेकिन सोचा था क्या हुआ है क्या, ये क्रिकेट है इसमें ऐसे ही होता है। तो मुश्ताक फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाज को सही फील्डिंग सजाते हुए, तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन गए हैं अपने ओर की चौथी गेंद, हैट्रिक का मौका लेकिन नहीं, फिर ये एक बार फिर एक फुल टॉस गेंद और मिस फील्डिंग करके चौका मिलेगा, तो चौके के रूप में मिला ये मिस फील्डिंग का अंजाम, तो 15 रन हो चुके हैं। तो ये पहली मिस फील्डिंग हुई है इस मैच में विनू के हाथों से, एक अच्छा फील्डर जिसने 2-3 कैच बेहतरीन पकड़े उसके हाथ से चौका निकलना थोड़ा सा
आपको हैरान कर सकता है। तो एक बार और आखिरी गेंद, तो 15 रन हो चुके हैं। कैच का मौका देखना है, एम्पायर का इशारा है आउट है। तो फिर एक बार बेहतरीन कीपिंग वहां पर मजीद के रूप में कैच आउट करा दिया। तौबा है रहीम, कप्तान रहीम। इस ओवर में 3 फुल टॉस मिलने के बावजूद भी सिर्फ 5 रन आए, 6 रन। तो अभी भी जीतने के लिए बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, 33 रनों की जरूरत। अब्दुल्ला है जिन्होंने आखिरी और 2 रन का निकाला था। इस बार फिर एक बार लेग साइड में घुमा के कैच का मौका, और ये फैसल के हाथों में सीधी कैच गई, लेकिन फैसल थोड़ा सा वहां पर हड़बड़ाए, लेकिन कैच नहीं छोड़ी। पहली गेंद पर पहला झटका किशोर के रूप में अब्दुल्ला ने दिया। तो ये 4th विकेट मिली है इस टूर्नामेंट में अब्दुल्ला को। भाई बल्लेबाज को भेजो, टाइम वेस्ट मत करो। पांच गेंदे 34 रनों की जरूरत। सामने अब्दुल्ला, गए हैं सादिक सामना करने अब्दुल्ला का। तो रहीम समझा रहे हैं कि 5 बॉल बाकी है, आराम से तू अकेला खेल। तो अब्दुल्ला तैयार अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर। अच्छी गेंद, मिस कर गए वहां पर बल्लेबाज, लेकिन कीपर के भी हाथों से गेंद छूटी। 1 रन का इजाफा और 16 रन, तो 16 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर खत्म हो चुका है, चौथा ओवर जारी है। 4 गेंदे आना बाकी, 33 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद, घूम कर खेलना चाहते थे, बल्ला कहीं गेंद कहीं, बाकी काम कीपर मजीद ने पूरा किया। तो इस ओवर में अब तक बाई के रूप में 1 रन आया है, यानी बल्ले गेंदबाज के खाते में नहीं है रन। वो फिर एक बार अच्छी गेंद, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, मिस कर गए रहीम। वो जानते हैं रहीम के ये मैच जीतना मुमकिन नहीं है, तो वो बस यूं ही अधूरे मन से बल्ले को घुमा रहे हैं। अपने ओर की अब्दुल्ला, अगली गेंद फुल टॉस गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट, वहां पर खिलाड़ी यूनुस मौजूद। 1 रन मिलेगा, चहलकर्मी करते हुए आराम से दौड़ते हुए रहीम। अब्दुल्ला, अगली गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है मुस्ताक कप्तान। तो मैच खत्म हुआ, आसानी से 32 रनों से मैच जीत लिया। एजल वॉरियर ने आइजल वॉरियर्स द्वारा कमाल के खेल का प्रदर्शन, कमाल की बैटिंग, उतनी बढ़िया गेंदबाजी, 32 रनों से आयरा एंजल्स को हराया, एक बड़ी शिकस्त। और सारे खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी, भले गेंदबाज बल्लेबाज सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक कमाल के खेल का मुजाहरा। कांग्रेचुलेशंस आइजल वॉरियर्स।
ब्लू एंजल से गुजारिश करूंगा कि जलसेल अपनी फील्डिंग सजा दे। भाई फील्डिंग सजा दे भाई,